वेलकम बैक टू आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। आज हम आपको ऑनियन पेंटिंग करना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है। आप देख पा रहे हैं, वाटर कलर है, ब्रश है, नॉर्मल ब्रश है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। ऑनियन है, आधा कटा हुआ प्याज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और एक वाइट शीट है, आप ये शीट को इस साइड आप ऐसे हैं लाइनिंग वाला, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप टर्न करिए और प्लेन वाला पार्ट करके इसमें पेंटिंग करेंगे, ताकि आप इसमें फाइल में लगा सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने इसमें पहले रेड कलर डाल दिया है और उसके बाद येलो कलर्स भी डाल दिया है, और फिर इसमें ऑनियन को इस तरह से डीप कर देंगे। आपको जो भी कलर यूज़ करना है आप वो कलर से बनाएं, इस तरह से डाल करके यहाँ पे लगा देंगे। आप इसको अच्छे से प्रेस करके लगाइए, दबा करके, ताकि सारे कलर इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, और ज़ोर से इसमें भी दबाइए इस तरह से। आपको जहाँ जहाँ भी लगता है इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आप इसमें प्रेस करते जाइए। आपको जितना भी साइज़ बनाना है, बड़ा छोटा, आप उतना बड़ा छोटा ऑनियन लीजिए इसको बनाने के लिए। इसके बाद ये रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इस छोटे वाले पार्ट में, इसमें येलो कलर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर हो गया है, और इसमें आपको ऐड करना है येलो कलर। तो आप ऐसे करिए, येलो कलर लीजिए और ऑनियन के सेंटर वाले पार्ट में इसको इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसी पे जो आप पहले बनाए हैं ऑनियन से, उसी पे इसे प्रेस कर लीजिए इस तरह से, अच्छे से इस तरह से सभी में लगाइए। आप देख पा रहे हैं इस तरह से सब पे लग गया है। इसके बाद आप ब्रांच बनाइए, आप इसमें ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हो ब्रांच के लिए, और ब्लैक कलर का भी। तो मैं इसमें ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो कलर यूज़ करके इसमें बना सकते हैं। इस तरह से आप इसमें सारे ब्रांच को एक दूसरे में ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप जैसा भी मोटा पतला जो भी बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप पेंटिंग करिए, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। आप सर्कल की जगह जहाँ येलो लगा है उस तरह से इधर ब्लैक कलर का यूज़ करिए। आप वाटर कलर कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब आप ये कलर करो तो कलर पहले सूख जाए, उसके बाद ही इस पर दूसरा कलर करें, वरना कलर सारे एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि कलर जब पिछला वाला करा हुआ सूख जाए, उसके बाद ही आप इसमें दूसरा कलर करें। आपको बहुत ही सुंदर से इस तरह से आपको ऑनियन पेंटिंग करना है और इसकी फाइल बनाना है। थैंक यू।